कोई में लागत न जाए, बुद्धि का झुकाव न जाए, जहाँ मोह लगा हुआ होगा बार बार वही बुद्धि झुकेगी, मन बुद्धि वही जा गई तो समझ लो हमारा वहाँ लगाव लगा हुआ। कोई चीज खाने पीने के पदार्थों में लगाव हो जाता है तो बार बार वो चीज याद आती है, बुद्धि जाती है उधर, इससे मोह नष्ट हुआ क्या? नहीं मन नष्ट हुआ। ऐसे कोई व्यक्ति है अपनी देह की इंद्रियों में भी लगाव जाता है, न देह में लगाव जाए, न देह के संबंधियों में लगाव जाए, झुकाव जाए बुद्धि का, और न देह के पदार्थों में, कोई भी पदार्थ में बुद्धि न जाए, झुके नहीं, बार बार उत्तम बुद्धि न जाए। जो भी इन आंखों से देखते हैं, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं इस दुनिया की, उसमें कहीं भी लागत नहीं जानी चाहिए। इन आंखों से जो नहीं देखते वह बुद्धि जानी चाहिए, आत्मा को नहीं देखते इन आंखों से, आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा शिव को इन आंखों से नहीं देखते। शिव जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है वो भी इन आंखों से नहीं देखा जाता, कौन सी आंख से उसको पहचानते हैं? वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्र रथ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है ये ना, ये आंख पहचान ही नहीं सकती, कौन सी आंख पहचानती? ज्ञान के तीसरे नेत्र से वो बेहद के दोनों बाप पहचाने जाते, तो उनको याद करना। बिंदु आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? उस बाप में कैसे वो निराकार बाप प्रवेश करके निरंतर पाठ बजाया है, याद करना। नई दुनिया को याद करना, नई दुनिया को इन आंखों से देख रहे हैं? इन आंखों से नई दुनिया देखने में नहीं आती। हाँ, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बुद्धि में ये बात बैठती है कि नई दुनिया कैसे होगी और कैसे आगे, तो नई दुनिया को भगवान भक्ति में गणेश को पहला देवता समझ कर याद करते हैं ना, किसी भी कार्य के लिए पहले रखते हैं, उसका कारण क्या है? गणेश ने पहले पहले बाप के डायरेक्शन को पहचान लिया, और गणेश कौन है? पहला ब्रह्मा कौन है? पहला ब्रह्मा तो प्रजापिता है। हाँ, उस निराकार बाप ज्योति बिंदु शिव के डायरेक्शन को असली रूप में किसने पहचाना? ब्रह्मा के मुख से तो सुना और सुनाया गया, लेकिन उन्होंने जो सुना और सुनाया गया सुनाया उन्होंने अपने मुख से उसके सही अर्थ को समझा? नहीं समझा, तो फॉलो कैसे करें? तो पहले पहले फॉलो करने वाला कौन हुआ? वही पहले पहले फॉलो करता है, जो समझता है समझ करके फिर उसको एक्ट में लाए। इसलिए बताया है मुझे ने, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। कमंडल कहो, ज्ञान का घड़ा कहो, बातें सब एक ही बुद्ध रूपी कमंडल है,
कमंडल को ज्ञान जब बढ़ा जाता है भगवान को बोलते हैं अभी उनका भी कम तो शाम भी चला मत करो ना शाम पर भी रात 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 हाँ शंकर को रात क्यों जमाते हैं वो तो भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासी होते हैं वो राग रमाई लेते हैं बाप कहते हैं वो सब स्थूल बातें भक्ति मार्ग में करते हैं राग रमाने की बात नहीं है यहाँ तो राग बनाने की बात है राग बनना है वो भी आग नहीं ये होली में बोला है अव्यक्तवाणी में भी बोला है अब देखेंगे राग कौन बनते हैं और कितने बनते हैं और कोटों में से एक लाखों में से एक कौन निकलते जो अपने देहवान को राख बना दे हिंदुओं में क्या करते हैं जब कोई मरता है तो क्या बना देते हैं उसको जला के राख बना देते और दूसरे धर्म वालों में जला के राख नहीं बनाते कुछ न कुछ उनकी हड्डियां मिट्टी में मिला देते उनका देहवान रह जाता है दूसरे धर्म वालों का संगम युग में जब पुरुषार्थ करती है दूसरे धर्म की आत्माएं तो उनका कुछ न कुछ देवान रह जाता है देह हनुमान की मिट्टी में उनका देवान मिला हुआ रहता है वो अपने देवान को राख नहीं कर पाते और तुम बच्चे अपने देवान को राख कर देते हो तुम बच्चों में भी कोई एक बच्चा है जो देवदेव महादेव कहा जाता है वो सबसे जास्ती अपने देवान को पहले पहले राख बना देता है इसलिए एक बच्चे का नाम शिव के साथ शंकर के साथ शंकर के साथ शिव का नाम सिंह अवतार कहते हैं ना जैसे कोई नाटक खेलते हैं ना तो ड्रामा में नाटकबाजी करते हैं तो कोई गधा बनता है कोई शेर बनता है कोई बकरा बनता है उसकी खाल ओढ़ लेते हैं तो ऐसे ही मनुष्यों के बीच में जैसे शेर का रूप धारण करके आता है इसलिए मुरली ने बोला है कि तीन मूर्तियों वास्तव में तीन शेर नहीं है एक शेर है और बाकी एक बकरी है और एक घोड़ा है शेर जैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है इसलिए शंकर को जो खाल दिखाते हैं वो शेर दिखाते हैं सांप पांच तरह के सांप दिखाए जाते हैं कमर में सांप लपेटा हुआ है सांप दिखाते हैं दोनों बाजुओं में सांप लपेटे हुए हैं क्रोध और लोभ की निशानी गले में सांप लगा हुआ है मोह की निशानी और सर के ऊपर सांप है वह अहंकार की निशानी तो ये पांच विकारी आत्माएं हैं मनुष्य आत्माएं हैं जो 100% विकारी बन करके उनको चिपक के रहती वो सांप भी उसके संग के रंग से पतित से क्या बन जाते हैं विकारी से निर्विकारी बन जाते हैं आप नहीं बात करो पूरी बात समझने निकल वो भाई बोल रहे हैं वो शंकर का चित्र ने पूछा अच्छी तरह से पूछ सकते हैं हाँ पूछ जो भी चित्र बने हुए हैं भक्ति मार्ग में जो भी चित्र भक्ति मार्ग में बने हुए हैं वो चरित्र की यादगार है ना त्रिशूल तो उस चरित्र को समझना चाहिए ना त्रिशूल तीन शूल शूल माने कांटा जैसे बाण होता है ना तो बाण में आगे क्या लगा होता है कांटा तो कांटा जो है ज्ञान का कांटा है तीन प्रकार के शूल हैं ब्रह्मा का शूल विष्णु का शूल और शंकर का शूल तीन प्रकार के कांटे हैं तीन देवताओं के इसलिए वो शूल इकट्ठे हो जाते हैं तो कहा जाता है पंच शूल हाँ
ऊपर जो तीन पड़ी हुई रेखाएं दिखाते हैं, तीन रेखाएं भी वास्तव में तीन पुरियों की याद रखते हैं, ब्रह्मा की पुरी, विष्णु पुरी, बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है तीन अवस्थाओं से पतार होना है घड़ी घड़ी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकार, कभी नीचे आओ कभी ऊपर जाओ कभी सूक्ष्म में चले जाओ, दिल करो बुद्धि के और दुनिया तो बहुत नीचे जा रहा है, इसीलिए ज्ञान का कैसे उत्पादक बन बनाते हैं, किस तरह से करते पूछ रहे हैं, दुनिया में प्रभा दुनिया तो बहुत नीचे जा रहे हैं ना, दुनिया नीचे तब तक जा रही जब तक हम नीचे जा रहे हैं, दुनिया नीचे तब तक जा रही जब तक हम नीचे जा रहे हैं, हम ऊँचे उठना शुरू हो गए तो दुनिया भी ऊँचे उठी, हम अपने पुरस्कार से हम संतुष्ट हैं, हम अपने पुरस्कार से ही संतुष्ट नहीं है तो दुनिया को हम कैसे संतुष्ट करेंगे, ऊँचे कैसे उठाएंगे, पहले खुद सुधरे तो दुनिया सुधरे, உலகத்துல நல்ல மனிதர்கள் வாழ்றதே கஷ்டமா இருக்கு, அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளும் நடந்துச்சான், ஒரு ஆஸ்பத்திரி போல நல்ல சிகிச்சை கிடைக்க மாட்டேது, ஒரு ஏதாவது நல்ல ஒரு ஏதோ சின்ன பிரச்சனை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா எச்சே கஞ்சதாயின்னு மாத்திடுறாங்க, இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு भगवान के ज्ञान में तो धक्का नहीं मिल रहा है, கடவுள் அடிஞ்சாலத்துல அப்படி வந்து கிடையாதுன்னு சொல்றது எல்லாம் இதுல வந்து அழிப்படுறது, ஆனா கடவுள் அடிஞ்சாலத்துல அழிப்படுறது, ஜஹா ராஸ்தா மில் வா சரி போறேன், தமிழ்நாட்டுல நீ மில்ல தமிழ் தும் நீ மில்ல தும் மில் நாட் ஜோ பத்தி பாவல் பனத்தே நீ वो पतित पावन बाप को बुलाते ही नहीं, जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन को உங்க நாமியே கோ அயம் பட்டு பட்டு மானே பிராமன் கோ மானே கவுன் அயம் மானே ஏ
यह कौन ब्राह्मण है? इनके यारों ब्राह्मण नहीं पड़ेंगे ये कौन ब्राह्मण है? इनके यार ब्राह्मण है बहुत अच्छा काम करता है। अरे और कोई और किसी ने तो ये अच्छा काम नहीं कर पाया, ये कौन है जो इसने करके दिखाया? बाबा सागर में बाबा ने अभी आए हैं इस समय, कुछ बच्चों को ज्यादा समय बाबा को मिलने का मौका मिलता है ज्यादा बार, लेकिन कुछ बच्चों को उस मौका साकार में मिलने का मौका नहीं मिलता है। इसका कारण क्या? क्योंकि सबके लिए यहाँ भी शूटिंग होता है। राजा अधीन होता है या राजा अधिकारी होता है? अधिकारी। बाप ने आत्मा की पहचान दी है, तुम आत्मा हो या शरीर हो? आत्मा के अधीन शरीर रहना चाहिए या शरीर आत्मा के अधीन रहना चाहिए? आत्मा के अधीन में शरीर रहना चाहिए। जब हम मालूम पड़ गए कि हम स्वतंत्र आत्मा हैं, हम बाप के बच्चे हैं, हम किसी के बंधन में रहने वाले नहीं है, तो आत्मा अपना मित्र सत्व खुद ही है कि कोई दूसरा है? चाहे तो 24 घंटे बाप से मिला रही कोई रोक सकता है क्या? कैसे रोकेगा? मान लो बांधेली माता है, उनका पति बांधापूरी करता है, वो माता बंधन में नहीं रहना चाहती, पति का अपोजिशन करती है कि हमें ये सत्संग में नहीं जाने देता, वो कोर्ट में चढ़ जाए तो पति क्या रोक लेगा है? ये जरूर कह सकता है कि मैंने ही को अपने साथ रखता तो और अच्छा रहता, साफ हो गया, स्वतंत्र हो जाएगी। परंतु इतनी हिम्मत चाहिए, अपना मोह लगा हुआ होता है, अपना मोह लगा हुआ होता है तो कहते हैं मैं बंधन में हूँ, पेड़ को पकड़ लिया, अरे मुझे कोई छुड़ाए, मैं बंधन में हूँ। छोड़ो तो झूठे उठा तो उठो, आपने तो ज्ञान दे दिया, तुम स्वतंत्र आत्मा हो। स्वतंत्र आत्मा हो, जिस तन में आता है वो भी ऐसा पार्ट बजाता है, न किसी को बांध के रखता है और न किसी के बंधन में रहता है। क्या पहला आत्मा भी किसी के ऊपर राजा ही नहीं करनी है, अपने ऊपर किसी के ऊपर किसी की राजा ही चलने नहीं देना। हम किसी के अधीन नहीं, कोई हमारे अधीन नहीं। हाँ प्यार की बात पूछ रही है, राम लक्ष्मण चित्र पढ़ा है उसका तो क्या डिफरेंस है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार का चित्र पड़ा है, बाद में तो ब्रह्मा का मानसिक चार पत्र है, उसका और इसका क्या अंतर है? जो पुत्र है ज्ञान में सबसे ठीक है, वो सबसे बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़ी प्राप्ति करता है, उसका नाम ज्यादा बाला हो जाता है, उसके नाम से सनातन धर्म की स्थापना होती है, उससे जो कम ज्ञान धारण करता है, धारणा जितनी कम है वो फिर उससे कम पावर का होता है, वो इस्लाम धर्म है, उससे भी जो कम है वो बौद्ध है, उससे भी जो कम है सुशिक्षण है, ये मुख्य चार धर्म है, चार उनके बीज है, चार की पैदाइश होती है। जैसे कोई बाप के बच्चे होते हैं तो सब बराबर प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं, यह नंबर वन प्योरिटी की पावर लेकर पैदा होता है, पहला बच्चा है सबसे लंबे समय की बाप की प्योरिटी की पावर लेता है। ब्रह्मा का मानसिक प्रदर्शन
मन के संकल्पों से सृष्टि है मन संकल्प अभी हमारे मन के संकल्प जो चल रहे हैं ना शूटिंग पीरियड में तो यहाँ मन के संकल्प जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा जोड़ रहे हैं जिंदगी में उसके साथ हमारा 84 जन्मों का हिसाब किताब बन रहा है अमृत वेला भी तीन प्रकार से एक तो हद का अमृत वेला वो तो रोज सवेरे 12 बजे के बाद होता है 12-1 बजे के बाद स्थूल सूर्य होने तक का अमृत वेला दूसरा अमृत वेला ज्ञान सूर्य जब इस संसार में उदय होना होता है प्रत्यक्ष होता है होगा कि नहीं होगा सारे संसार में प्रत्यक्ष होगा ना सब कहेंगे कि हाँ ज्ञान सूर्य भगवान आ गया तो वो बेहद का अमृत वेला है और तीसरा अमृत वेला वो है जब आत्मा इस ज्ञान में आती है और बाप को पहचानती है हमारी आत्मा में मन बुद्धि में बाप की पहचान होने से पहले जो हमने पुरुषार्थ किया वो फाउंडेशन की मिला है माना जिस समय हमें ये ज्ञान मिलता है हमारी बुद्धि में ज्ञान डाला जाता है और ज्ञान जैसे ही मिला है कि मैं आत्मा बिंदु मेरा बाप ज्योत बिंदु उस समय जितना जितने फाउंडेशन पक्का कर लिया उसकी उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं हो गई तो बिल्डिंग ऊंची अच्छी चढ़ेगी क्या जो आत्मा जिस समय ज्ञान में आई उसी समय जितना उसने तीव्र पुरुषार्थ कर लिया तो उसका फाउंडेशन सारा पुरुषार्थ जीवन तीव्र हो गया फाउंडेशन के टाइम में ही अलबेला हो गया कुछ सुना कुछ कर्ज निकाला कुछ ध्यान दिया कुछ नहीं दिया कभी कोर्ट लिया कभी नहीं लिया 7 दिन का कोर्ट 7 महीने में पूरा किया तो उसका सारा पुरुषार्थ जीवन भी ऐसा ही ढीला ढाला प्राप्ति वाला क्या शिव को दशावतार का बोलते है वो भक्ति में और ज्ञान में इसका अंतर क्या है करके पूछ रहे कहाँ अंतर है वहाँ दशावतार बोलते हैं कि भगवान के 10 अवतार होते हैं यहाँ भी तो 10 ही धर्म है और 10 धर्मों में 10 ही तो विशेष है मूल रूप में जो पूर्वज आत्मा है वो 10 ही तो है बीज रूप आत्मा विशेष रूप से बीज रूप आत्मा में उनको 10 अवतार कह दिया वास्तव में 10 थोड़े ही है तो एक ही सिखों में भी 10 गुरु हुए हैं गीता पाठशाला में बाबा निमित आत्मा पढ़ते है ना निमित आत्मा उनको ऐसा तो बोल सुना नहीं सुना है बोल सुना या नहीं सुना निमित आत्मा अपना बोल सुनाती है तो उनका अपना बोल क्यों सुनना बाबा की जो बातें हैं सुनाती हैं तो सुनना है बाबा की बातें जो सुनाई हुई है उसके विपरीत बात बोलती है तो क्या सुनना एक कान से सुनना दूसरे कान से कोई भी हो एक बाबा की अनुकूल डायरेक्शन होता है और एक बाबा की प्रतिकूल डायरेक्शन होता है अगर बाबा की बात के वर्तमान बात कोई हमसे कहे तो हम तो उसे रावण संप्रदाय की मानेंगे श्रीमत के वर्तमान बात को तो रावण संप्रदाय समझो मुरली बोला कि नहीं श्रीमत के बरखिलाफ अगर कोई बात बोलता है तो
हम उसे कौन सी सी बात समझे, रावण की बात समझे, हमें पार थोड़ी करना, एक काम से लेना है दूसरे काम से निकाल देंगे। माइनस बूढ़ा कृष्ण प्रिय आदमी को दिखाते हैं ना, उनको क्यों दिखाते हैं बाइबल पूछते हैं में एक बूढ़े आदमी को ज्यादा कृष्ण ज्यादा बोलते हैं ना, उसका कारण क्या बोलते हैं? राशि मिलाई जाती है ना, वो मैं समझते हैं कि जो कुछ प्राप्ति होती है वो क्राइस्ट से होती है, वो किसके लोग ऐसे समझते हैं, और यहाँ जो ब्रह्मा की औलाद है वो समझते हैं कि जो कुछ प्राप्ति होती है वो साकार में भगवान जो आया हुआ है, कौन गीता का भगवान, कौन भगवान, किसको मानते हैं वो ठीक है लोग, कहते हैं गीता का साकार भगवान है, बस उसी बूढ़े को मानते हैं, वही उसी से हमें सब कुछ प्राप्ति होती है, वही हमारे लिए सब कुछ लाया है। कृष्ण की आत्मा द्वापर युग में विक्रमादित्य बनती है, और जो जितने भी पतित विकारी राजा हुए हैं उनमें पहला राजा किसको दिखाया, द्वापर युग में पहला राजा कौन, विक्रमादित्य। तो जो पतित राजाएं होते हैं वो स्वयं राजा ही चलाते हैं या अपना कोई मंत्री रखते हैं, मंत्रणा देने वाला गुरु रखते हैं, कोई गुरु रखते हैं, तो वो राजा बड़ा हुआ या उनका गुरु बड़ा हुआ, तो राजा विक्रमादित्य का भी कोई गुरु रहा होगा जिसने उनको राय दी कि तुम ऐसे ऐसे मंदिर बनाओ, शिवलिंग की स्थापना करो, पूजा करो। गुरु था वो ही मंत्री था, राजगुरु उसे कहते हैं, राजगुरु राजा विक्रमादित्य का राजगुरु राम आत्मा, बाबा विदेशों का वो शादियों में पंगुटी पहनाते हैं, लेकिन वो स्वदेश में तो मंगलसूत्र पहनाते हैं, इसका तो क्या मतलब है? मंगलसूत्र कहाँ पहना जाता है, अंगूठी कहाँ पहनी जाती है? वो तो गले में पहनते हैं, मंगलसूत्र गले में लटकाया जाता है, क्या वो गले गले पड़ जाती है और उनकी अंगूठी में डाली जाती है, जब चाहो तब निकाल दो, जो गले पड़ गई वो कभी निकलेगी नहीं, माना वो बार बार अंगूठी नहीं पहनते हैं, बार बार दूसरी अंगूठी पहन लेते हैं, तीसरी अंगूठी पहन लेते हैं, माना डायवोर्स की प्रथा वहाँ चलती है, और यहाँ यहाँ जो गले पड़ गई तो पड़ गई, यही मंगलमय बात है, ताकि विचार न बढ़ने पर। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को तो विदेशी कहते हैं, दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत को विदेश कह रहे हैं,
और उत्तर भारत कुल स्वदेश का है, लेकिन दक्षिण भारत में जो भी मनुष्य मात्र है वो आत्माएं भी देती है या शरीर भी देती है? शरीर भी देती है। इस आत्मा में पता नहीं 83 जन्म उत्तर भारत में लिए हो तो आत्मा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की होती है क्या? आत्मा तो नहीं होती। जो पांच तत्व है वो दक्षिण भारत का हो सकता है? तो एक जन्म के लिए है कि अनेक जन्म के लिए? एक जन्म के लिए। और आत्मा तो अनेक जन्म, आत्मा तो अगर किसी को कहा जाता है ये दक्षिण भारत का विदेशी है तो वो देहभान में कह रहा है कि आत्मा विभान में कह रहा है? वो कहने वाला खुद ही देहभानी है। अगर आत्मा अभिमानी हो तो आत्मा ये थोड़ी कहा जाएगी ये आत्मा दक्षिण भारत की है। क्या ये पक्का है कि कोई आत्मा 84 जन्म दक्षिण भारत में ही लेती है? और दक्षिण भारत तो होता ही नहीं है 84 जन्म में। 84 जन्म में दक्षिण भारत होगा? ऐसा समुद्र में डूबा हुआ इलाका होता है सचिव उतरे तब उत्तर भारत होता है। जम्मू जी के रेवा खंडे तो हम आत्माओं ने उनकी जन्म उत्तर भारत में उस समय लिए हैं या दक्षिण भारत में लिए? उत्तर भारत में उस समय इक्कीस जन्म लिए। वो हिसाब किताब ऐसा बन गया कि आखिरी जन्म आकर के दक्षिण भारत में बन गया। कोई एक जन्म लेने से कोई दक्षिण भारत का हो गया? अगर दक्षिण भारत के ही होते तो उत्तर भारत में जो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है वो दक्षिण भारत में बार बार क्यों चक्कर लगाता है? वो उत्तर भारत वालों को क्यों नहीं उठाया पहले? उत्तर भारत वालों को पहले क्यों नहीं उठाया? दक्षिण भारत वालों को क्यों पहले उठाया? इससे क्या साबित होता है? पूर्वजों क्या हिसाब किया है? जरूर जो दक्षिण भारत में बार बार चक्कर लग रहे हैं इससे साबित होता है कि पूर्व जन्मों में ज्यादा संघ का रंग दक्षिण भारत वालों ने लिया है इसलिए बार बार लग। डीके में भोग रखते हैं ना बाबा, उसका आज तक क्या भाई लोग पूछते हैं? भक्ति मार्ग में भक्ति करती है वैसे यहाँ ज्ञान मार्ग में ढेर सारे भक्त हैं। वो भोग किसको लगाते हैं? ब्रह्मा को लगाते हैं या शिव को लगाते हैं? शिव तो अभोक्ता है। यहाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ढेर सारे मंदिर पुराने पुराने मंदिर हैं, उसका यादगार अभी संगम युग का यादगार वो है, लेकिन अभी संगम युग में उसका शूटिंग उसका कैसे होगा? दक्षिण भारत में पुरानी पुरानी आत्माएं हैं नहीं एडवांस में? एडवांस में जो निकलेंगे वो एडवांस वाले पुराने ज्यादा दक्षिण भारत से पहले निकले या उत्तर भारत से पहले निकले? दक्षिण भारत से एडवांस वाले पहले निकले। तो एडवांस वाले बीज रूप आत्मा है उनसे ज्यादा पुराने कहीं हैं? जो पुराना होता है वो तो ऑल ही ओल्ड इज गोल्ड। குடும்பத்துல நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க, அதுல ஞானம் பண்ணிட்டேன், அவங்களுக்கு வந்து ஞானங்கள் எடுத்துக்கணும் வர மாட்டாங்க. और आखिरी जन्म में भगवान आता है तो तुम्हारे वहाँ जन्म लेने से उनका कल्याण होगा क्या कल्याण होगा? मम्मी नड़ा ना, मम्मी नड़ा पड़ी ना पापा के कारण। तुमने वहाँ जन्म लिया
तो कोई हिसाब किताब है ना अंग्रेजी में जन्म मेरे माने कनक मोड़ के लिए नहीं हां उनका भी कल्याण हो जाएगा अवगल बड़ा नंदन रहने लगे அவங்க யாருக்கு வருவாங்க ஆ பாபா இன்னைக்கு வாணிகர் சொல்லல பரிவாரத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு பரிவாரமே வருமானு பாபா சொல்லுவாங்க பரிவாரத்துல ஒருத்தருக்கு எல்லாருமே வருவாங்க நியாயமாயிருந்தாச்சு பூரா பரிவார ஜானமே ஆ பாபா இன்னைக்கு வாணியில அதான் சொல்றாங்க நிறையப்பா அவங்க போய் அடிக்கடி நல்லா மூடி இருக்கும் போது போய் சொல்லுங்க நல்லா பேர் சொல்றாங்க இன்னைக்கு வாணிக்கு வந்து அவன் கிராமா படிக்கிறேன் வீட்டுல ஒரு அஞ்சு பேர் ஆர்டர் இருக்காங்க சரி அவங்களுக்கு ஞானம் சொல்லி சொல்லி பாக்குறேன் நீ மட்டும் பாத்துக்கிறாங்க கல்யாணக்காரி है या கல்யாணக்காரி அகல்யாணக்காரி திருஷ்டி होगा கல்யாணக்காரி திருஷ்டி होगी तो पता लग जाएगा उनको உங்களோட நன்மையான சொல்லக்கூடிய பார்வை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நன்மை இல்லாத பார்வைன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் சொல்றாங்க दिल से दिल को राहत होती है दिल के अच्छे संकल्पों के प्रति रखेंगे तो वो मन के मौन से नई रंगत निकलती है जो काम वाचा से ना हो सके कर्मणा से ना हो सके कर्मेंद्रियों से ना हो सके संकल्प में ना हो सके वो फिर मन के मौन से संकल्पों से वृद्धि हो जाएगी ஒரு ராவண கதை இலங்கையில ஒரு விதவையாக ராவண கதை அங்கா அர்த்த கே பூச்ச माना सारी दुनिया में रावण राज यही तो है सारी दुनिया समंदर से घिरी हुई है तो सारी दुनिया कहते हैं एक बेट है बेट माना बेट माने टापू चारों तरफ सागर ही सागर சில இடங்கள்ல வந்து இந்தியாவில எடுத்துட்டீங்கன்னா சில இடங்களில் இப்போ கோயம்புத்தூர் எடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக போகிறாங்க வைக்கிறாங்க இப்போ இப்போ மதுரை அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் பிரச்சனை தேவையில்லாமல் ஒரு மாதிரி அப்படி ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒரு மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இப்போ எங்கேயில மதுரை எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லா பிரச்சனை சந்தை தத்து வெட்டு குட்டி மாதிரி நடக்குது ஏன் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பாவா போகணும் அங்கே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துல பறக்க வச்சிருக்காரு இடத்துல நல்ல இடத்துல பாய் போட்டு ஏக் ஜகம் மட்டும் பூனி கராபு குச்சு பி ஜகடா பகடா நீ ஹோத்தானே ஏக் ஏக் ஜகம் மட்டும் பௌத் ஜகடா ஹோத்தா பூனி கராப் ஹோத்தா ஐசா சபி ஹோத்தா வோ க்யூ வோ லோகோ கோ பைதா கியா வோ ஜகம் மட்டும் கட்டி போட்டு இந்தியா மே குல் குல் பரிவார் ஐசே ஹே கி 60-70 லோகோ கா பரிவார் ஹே और पूरे परिवार में एक ही मुख्य मुखिया कंट्रोलर है और वहाँ खूब शांति लगी पड़ी है पूरे परिवार और ऐसे परिवार हैं जहाँ पूरे परिवार में अशांति अशांति चार बच्चे हैं चारों अलग अलग मत के बच्चियाँ हैं वो अलग मत की पूरे परिवार में झगड़ा ही झगड़ा क्यों होता है ऐसा क्योंकि कुछ आत्माएं जो है देवी देवता सनातन धर्म की अभी लाश लोग कर रही है और कुछ आत्मा पुरानी है 84 जन्म भी पुरानी तो 84 जन्म जो पुरानी है उनके परिवार में कलह कलेश होगी जो सात्विक आत्मा है नई नई उतर रही है सात्विक आत्मा सलाह मिलाम
इसे एक छोटी बात बताइए, बड़े रूप में देखो, अमेरिका में बहुत शांति है, अमेरिका में बहुत शांति, अमेरिका में बहुत सुख शांति, विदेशों में सुख शांति ज्यादा है और भारत में सुख दुख शांति बढ़ी हुई, क्यों? भारत में अधिकम सुगम शांति, क्योंकि ये बहुत पुराने अनेक जन्म लिए हुए और वो उनके कब जन्म हुए, अनेक जन्म में था वो लोग बड़े वाला जन्म हुआ था, பாண்டவ இந்த 108 பேர் ஒன்பது அவங்கெல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஓ பயு குற்றையை ஆட்டு மாலை தயார் ஆகும் தயார் ஆகும் அபி ஆட்சி மாலை எட்டு மாலை இன்னும் வெளியே ஆகலன்னு பாபா சொல்றேன் நூற்றி தயார் ஆகலாம் எட்டே தயார் எட்டே ரெடி இல்ல அப்ப 108 தயாரி வர முடியும் पहले 108 की माला तैयार होगी या 108 की माला में भी अलग अलग ग्रुप है आठ लोग और ग्रुप में भी नंबर वन ग्रुप जो नंबर वन ग्रुप है उनमें पहला ग्रुप पहले तैयार होगा या नौ ग्रुप पहले एक साथ तैयार हो जाएंगे ஒரே நேரத்துல ரெடி ஆகுறாங்க ये जो तीन मूर्तियां हैं तीन मूर्तियों की तरह 70 साल लग गए प्रत्यक्ष होने ये मूर्तियों प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे ब्रह्मा कौन विष्णु कौन शंकर कौन 70 साल लग गए ना ऐसे 70 साल नहीं लगेंगे इन आठ मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने थोड़े समय के अंदर आठों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी விஜயமாலா விஜயமாலா ஆவாஹன் கரு அவங்களோட ஆஹ்வானம் பண்ணுங்க வெல்கம் பண்ணுங்க பாபா சொல்றாங்க விஜயமாலா பிஜேட்ட போய் ராணி மக்கி ஆக்கிட்டு பிச்சு பிச்சு சாரா ஜாடா அந்த ராணி தேனி வரும்போது அதுக்கு பின்னால பின்னால முழுமையான எல்லாருமே வந்துடுறாங்க ராணி தேனி இன்னும் ரெடியாகும் பிபிகேனால உள்ள தெரிஞ்சிட்டா உள்ளவே விட மாட்டேங்கிறேன் புத்தி மூலமா அவங்களை வந்து கூப்பிடுறதுக்காக விஷயம் சில பேர் நல்ல ஆத்மா இருக்காங்க அவங்க சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதன்படி வராங்க ஆனா ஒரு சில அந்த புரியாதவங்க தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே கூட அதை தடுக்கிறாங்க
அது அப்படி இருக்காது வைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஆக்ராமக சனாதன் தர்மி பாபா சிவபாபா கா டைரக்ஷன் ये है नरसे नारायण नारी से लक्ष्मी बनना है लेकिन यहां रुद्र माला के मंत्र में तो सब पुरुष के रूप में बोलते हैं तो शरीर के द्वारा अभी नारी है तो उनका शरीर भाव बदल जाएगा तो उन्होंने पुरुष रूप धारण करेंगे तो उनका पद क्या होगा क्योंकि एक मुरली में जगदम्बा का पद नर बन जाएगी कि नारी ही रहेगी नर बन जाएगी तो नर तो नारायण ही बनेगा ना नर जो बन जाएगी तो नर के क्या बनेंगे नारायण ऐसे ही बनेंगे तो प्राप्ति में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा प्राप्ति में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा डिफरेंस यही हो गया कि यहाँ सारा जन्म जो सारा जीवन जो है पुरुषार्थ चोले से स्त्री चोले से किया लास्ट में जाकर के दुर्योधन दुशासन का चोला बन जाएगा अच्छी बात हुई खराब बात हुई अरे अभी 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 सब पुरुष चोले भी बैठे हुए हैं स्त्री चोले भी बैठे हुए बाबा तुमको श्रेष्ठ बताते हैं स्त्री चोला श्रेष्ठ बताते हैं उनको भगवान का संग का रंग ज्यादा मिल जाता है और पुरुषों को सबको क्या बता दिया दुर्योधन दुशासन उनको ज्ञान सुनाने का भी हक नहीं दिया कन्या माता को ज्ञान सुनाने का हक दे दिया कन्या माताएं जो है वो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनेगी कन्या होते हुए भी ऐसे कर्म किए इतना अधिकार जमाया कि स्त्री से क्या बन गए ऐसे की बात है राजी की बात संगम युग में अधिकार जमाना चाहिए किसी के ऊपर अधिकार जमाना चाहिए या हमें सेवाधारी बन के रहना चाहिए सेवाधारी बन करके रहना है यहाँ सेवाधारी बन करके रहेंगे वो वहाँ अधिकारी बनेंगे जो यहाँ दूसरों के ऊपर अधिकार जमाएंगे ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया अधिकार जो जहाँ जिस सीट पर बैठ गई जोनल इंचार्ज बन के बैठ गई वो वहां से हिलने वाली गई तो जो यहाँ राजाई ले लेंगे उनकी वहां राजाई खत्म हो जाएगी रहस्य हुआ ना राग भरा हुआ है ना ज्ञान में
राधा कृष्ण जैसी आत्माएं हैं, राधा कृष्ण को फॉलो करने वाले जो हैं, वो अगर यहाँ संगम युग में स्थूल शरीर से जन्म ले लें तो वो रचयिता हो जाएंगे नहीं सृष्टि के, या रचना मन बन करके रहेंगे, रचयिता हो जाएंगे। उनको रचयिता बनना ही नहीं है, नसीब ही नहीं है उनको। उनको तो सत्य में रचना बन के पैदा होना है। रचयिता बड़ा या रचना बड़ी? रचयिता बड़ा। உலகத்துல வந்து இந்த சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மோசமான நிலையில இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து அதை வந்து அட்வான்ஸ் பார்த்தினால அதை மாத்த முடியுங்களா? दुनिया तो आज आजकल बहुत खराब हो रही है, ये एडवांस पार्टी से बदल सकते हैं करके सोच रहे भाई। एडवांस पार्टी से बदल सकते हैं ये दुनिया। एडवांस पार्टी के बीच में पात्माए है, उनसे भी दुनिया नहीं बदल सकती, क्योंकि एडवांस पार्टी की जो बीज रूप आत्माए है वो प्योरिटी की लंगड़ी है। क्या सब स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? सब पुरुष है, सब दुर्योधन दुशासन, स्त्री चोला वाले हो चाहे सब चोला वाले हो, इसलिए ये चेंज नहीं कर सकते। इनको जो ज्ञान के अंधे बने पड़े हैं वहाँ कहाँ ज्ञान नॉलेज में जो ज्ञान के अंधे हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और करना पड़ना चाहिए वो जब सोझरे बनेंगे और वो आकर के सहारा बनेंगे, उनका आधार लेकर के फिर कल्याण होगा। ये लंगड़े अंधे के ऊपर सवारी करें, अंधे को रास्ता बताए, और अंधे उनका वजन उठाए, तब ये विषय में करेंगे जी पार होगी। இப்ப வந்து இந்த சூழ்நிலையில அட்வான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப வாழ்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா வாழ்ற மாதிரி வாழ்றாங்க, அவங்க ஒரு மனநிலையும் அப்படி இருக்கு. அதான் இப்ப இல்லத்தை இருந்துகிட்டு, அதாவது ஆசிரமத்துல இருக்கவங்க வேற வந்து வாழ்க்கை இருந்துகிட்டு தொழிலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்கலாம் வந்து பல சூழ்நிலையில போய் வரும்போது நிறைய மன கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்க, நிறைய இதுன்றாங்க. ஆமா, இப்போ ஒரு தொழில் பண்றோம்னு வைங்க, அந்த தொழில் டிரைவரா இருந்தான், இப்போ அதில் போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே இருக்கு, லைசன்ஸ் எல்லாமே இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி எல்லாமே வாங்கிட்டாங்க, ஏதாவது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் மன கஷ்டம் வருது. राजा बने थे 63 जन्म, तब तब राजाओं ने प्रजा से पूछा था कि हम तुमको दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं? राजा है तो बहुत बढ़िया, राजाओं ने ज्यादा दुख दिया है, राजा का दुख पड़ता है हल्के हो रहे हो, खुश होते रहो। खुशियाँ और भी हमारा, हम हल्के हो गए, हमारा
हमारा बोझा उतर गया நம்மளோட வெயிட்ட குறைஞ்சிக்கிறது ரொம்ப குஷியானதுன்னு சொல்றாங்க. மற்றவங்க துக்கம் கொடுத்தாங்க कोई दूसरा हमको दुख देता रहे दुख देता ही रहे और हम समझे हमारा पूर्व जन्म का ऐसा हुआ बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया बाबा कितना दिन है दिन का क्या सवाल हम आओ हल्के हो रहे हैं हमने जब दुख दिया था तो हमारे ऊपर एक गुना बोझ चढ़ा तेरे जन्म में और वो जो ज्ञान में चलने वाले हमको दुख दे रहे हैं तो उनके ऊपर सौ गुना बोझ चढ़ रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए खुशी होनी चाहिए और भी खुशी होनी ये जन्म जन्मांतर हमको भर के देते रहेंगे जन्म जन्म में हम लोग गुस्सा कर देंगे तो खत्म हो गई बात मुझे बोला था अवलोदन चल रहा था बाबा हाँ तो आओ भी राजा में बैठे हुए अभी तो प्रजा के साथ तुम्हारा सभा का पड़ रहा है इंगे वाले प्रजा के कोड़ा उनके राज्य में रहता है उनके राजा वाले चल रहा है इन्हें दुख का दिख रहा है तो मौत वाला मौत वाला इन्हें नहीं आता कर पड़े राजा कॉल राजा कॉल ये बात वहाँ भी कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम सेवा पड़ मुझे आना होगा अगर वो लैंग्वेज प्रॉब्लम चल रहा है बाकी टाइम ही लेगा बाकी टाइम ना करवाने पड़ मुझे तो इंडिया तमिलनाडु को लगा तमिलनाडु को ले इंडिया कुल आरंभ करने हैं ना मधुरई में आंगर कहाँ सही भाई तो मधुरई में है उधर तो एक ग्रुप तैयार करने के लिए सोच रहे हैं इतना कैसे बोल रहे हैं बच्चे मददे बाप தைரியம் இருந்தாலும் பாபா வந்து உதவி செய்வாங்கன்னு சொல்றாங்க யாருக்கு எந்த மாதிரி தைரியம் இருக்கோ அந்த குழந்தைக்கு பாபா எப்பொழுதுமே சொன்னா உதவியா இருப்பாங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கவங்க நல்லா ஒரு இதுல பதவி இருக்கவங்க இந்த ஞானத்தை எடுத்தோம்னா டக்குனு புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த ஒரு நல்ல சத்தியமா இருக்கவங்க போலீஸ் அதிகாரிலாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க அவங்க தான் பேசிருக்கேன் யானத்தை பத்தி பிகேனும் கொஞ்ச நாள் போய் வந்தவங்க இருக்காங்க அப்ப சொல்லும் போது இது நல்லா இருக்கு இதை நல்லா டெவலப் பண்ணலாம அதெல்லாம் சொல்றாங்க वो बोलते ये तो अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं ना ये नालक करते वो इन तक पस पूछ रहे हैं अच्छी बात जो आओ सुनो इन्हें सब लोग वन सब लोग बाबा नल्ले भी क्यों सुनता है नहीं इन्हें सब लोग वन सब लोग अब तेरे पनाह नहीं है वो तेरे को ना இல்ல அது வந்து எப்படின்னா ஞாபகம் பத்தி உங்க உள்ள இதை பத்தி எல்லாம் சொன்னேன் சொல்லி இருக்கு அட்வான்ஸ் சொன்னேன் அந்த மாதிரி கரெக்டா நடக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அவங்க பார்த்தாங்க ஒரு சில விஷயங்க இல்லைங்க அதாவது வந்து இங்க ஒரு சில விஷயம் இந்த ஞானத்தை கரெக்ட் பண்ணி கேட்டாங்க
ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சொல்லும்போது அப்புறம் பிகேவுக்கு எதுக்குமே நல்லா கரெக்டாக இது சத்தியமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லா உணர்ந்துடுறாங்க. அதுவும் சத்தியம் சத்தியமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பிகேல இருந்துட்டு இருக்கவங்க இந்த அட்வான்ஸ் யாரும் சொன்ன பின்னாடி அப்போ ஏன் அவ்வளோ விஷயங்களும் மறத்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. वर्तमान जीवन का हलवा पूरी खीर खाना है महलों में रहना है छुपा दिया साधारण महलों में रहने की आत नहीं है अच्छा भोजन खाने की आत नहीं है अच्छे कपड़े पहनने की आत नहीं है मान मर्तबा लेने की आत नहीं है वो ब्राह्मणों को भगवान का ज्ञान छुपाने की क्या दरकार கேட்ட சொன்னது வாங்கறதில்லை அதனால பகவானோட ஜனம் வந்து எப்படி எதுக்கு அவங்க மறுத்து இருக்கணும் தேவையில்லைன்னு எதுலையுமே ஆசை கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் அவங்க தாதி அந்த மதுரையில் அந்த முக்கியமானவங்க அப்புறம் இங்க அபிநயத்துல அங்க எல்லா சென்டர்லயும் திருப்பூர் சென்டர்லாம் போய் கேள்விகளை கேட்டாங்க கேள்வி கேட்காதீங்க பாடம் கேளுங்க அந்த முக்கியமான நல்ல கேள்வி சாதாரண கேள்வி தான் பதிச்சு விட்டுருவாங்க அவர் இப்போ ரொம்ப வாரமா கேட்குற மாதிரி கேள்வியா நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க சரியா வரேன் भक्ति मार्ग में गुरुओं ने भक्ति सिखा सिखा की जड़ बुद्धि बनाया या बुद्धि को चैतन्य बनाया बुद्धि बनाई दिया पत्थर बुद्धि बनाई वो क्यों कहेंगे कि प्रश्न पूछो कल बुद्धि आई थी बाप तो आप भरी सभा में आगे कहते हैं खूब प्रश्न पूछो बाबा इंजन तो नवी गुणा कर लिया तबे लोग कहते हैं ना मधुर मेरी क्वेश्चन कह रहा ना बाबा पर क्वेश्चन कह रहा और भक्ति मार्ग में 63 जन्म किसी गुरुओं ने अपनी भरी सभा में ऐलान नहीं किया कोई प्रश्न पूछो भक्ति मार्ग में अभी चल रहे हैं यार में नेरिय क्वेश्चन सब कह रहा ना यार में पकड़ लिया नेरिय तबे ना जी के अभी तो मत देख பிகேல வந்து ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் இருந்து சரியான ஒரு நல்ல சந்தோஷம் அட்வான்ஸ் வந்ததுமே நல்ல மனசு சந்தோஷமா இருக்கு நல்லா ஒரு உறுதியோட ஒரு வாழ்க்கை இப்படி ஒரு கைரி மாதிரி कीमत के अनुसार ज्ञान में चलने वाले को खुशी ही खुशी बढ़ेगी यार में श्रीमंत खुशी और एडवांस में आने के बावजूद भी इतना ढेर सारा ज्ञान मिलने के बावजूद भी बरखिलाफ चलेगा तो दुखी ही दुख बढ़ेगा ஆனா இங்கே கூட ஸ்ரீமத் படி நடக்காம இருந்தால் விதேஷ் தர்ம கண்ட கே சமான் யா கம் கம் ஸ்ரேஷ்ட ஹோகா சமான் जो अच्छा बोलता करेगा तो श्रेष्ठ होगा जो अच्छा संगठन बना के दिखाए तो श्रेष्ठ होगा क्या यूनिटी प्योरिटी से बनेगी ना तो जिसकी प्योरिटी ज्यादा होगी वो श्रेष्ठ होगा ये सोदा आनंद बाबा की प्योरिटी ज्यादा थी तो उन्होंने यूनिटी बना ली अब भगवान भी उनकी संरक्षण पलता रहा अब कल्प का विनाश कर दिया अगर उन्होंने पालना न दी होती तो कल्प का विनाश कैसे होता है
Thank you.